नेक्स्ट आता है ब्लैक पेपर, ये अमेजिंग हर्ब है, अमेजिंग। मैं इसको इतना यूज करती हूँ, मैं इसका एसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ, मैं इसको एज अ हर्ब यूज करती हूँ, मेरे ये हर चीज में काम आता है। तो और ये इतना अच्छे से काम आता है, आप कहीं जा रहे हैं आप सब इसको एनर्जाइज कीजिए, एनचांट कीजिए, अपने साथ किसी भी जगह लेके जाइए, ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि योर एनर्जी सिस्टम इज नॉट सेफ, आपको नजर लग सकती है, या आपकी कोई भी ऐसी एनर्जी है जो जैसे साइकिक एनर्जी होती है अराउंड, राइट। ब्लैक पेपर सबसे ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करता है साइकिक एनर्जी में। मैं आपको बताती हूँ, शायद मेरे पिछले कोर्स में भी मैंने अपना ही बताया था, वो एक दो लोग हैं मेरे साथ जो पिछले कोर्स में भी थे कि और मैं बहुत अच्छे से इसको कंटिन्यू करती हूँ। एक दिन मेरी मेड आई, उसके ऊपर मुझे कुछ साइकिक एनर्जी लग रही थी, वो ऐसे पता नहीं कैसे कैसे बात कर रही थी, मतलब खैर अब तो हमें डर नहीं लगता इन चीजों से। तो व्हाट ओनली आई डिड इज मैंने उसको हाथ में पकड़ाई, 5 काली मिर्च एनचांट करके, कि इसके अंदर से इविल एनर्जी निकल जाए, फ्लिक ऑफ अ मोमेंट उसके अंदर से वो एनर्जी गई और वो बिल्कुल ठीक थी। तो मुझसे बोलती है, भाभी मैं कहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे वो मूवी का सीन लग रहा था, मैं कहाँ हूँ मैं ठीक हूँ। मुझे एक बार तो लगा कि वो ड्रामे कर रही है, लेकिन फिर भी लगा कि वो ड्रामा नहीं था, मतलब बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रही थी, वो साइकिक एनर्जी मुझे सेंस हो रही थी। तो काली मिर्च क्या होती है, काली मिर्च फटाफट साइकिक एनर्जी, ईविल एनर्जी निकालती है, वो बहुत तेज होती है, उसकी भी जो वेवलेंथ होती है बहुत ज्यादा छोटी वेवलेंथ होती है, जितनी ज्यादा छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी उसकी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा स्पीड उसकी एक्शन करने की होगी, और हार्डेस्ट वे में एक्शन करती है, जो तीर की जगह जाके चुपती है वो, ब्रह्मास्त्र समझ लो ब्लैक पेपर को आप। ब्लैक पेपर एक ब्रह्मास्त्र है, एनीथिंग विच इज इन स्फेयर शेप, कोई भी चीज जो स्फेयर शेप में है वो ब्लास्ट कर सकती है, दैट हैज अ कैपेसिटी टू ब्लास्ट लाइक एनीथिंग। सन है, सन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, हमारे सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि वो सर्कुलर शेप में होते हैं। दैट स्फेरिकल एनर्जी हैज अ कैपेसिटी टू ब्लास्ट इनटू एनॉर्मस अमाउंट, ठीक है। एंड व्हेन द एनर्जी, अवर एनर्जी एंड द इंटेंशन मीट्स द हर्ब, जैसे हमने आपको, अब ब्लैक पेपर क्या क्या करेगा, ब्लैक पेपर आपकी बैनिश नेगेटिविटी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम ईविल। आपको अपने किसी प्रोजेक्ट को अगर आपको ईविल आई से बचाना है, नजर ना लगे, मैं ये नहीं कह रही कि काम हो जाए, वो एक अलग चीज है कि बस नजर ना लगे, किसी की ईविल आई ना लगे, कोई ऑब्स्टेकल ना आए। और एग्जॉर्सिज्म जो मैंने आपको बताया, जो मैंने अपनी मेट का किया एग्जॉर्सिज्म, जो एग्जॉर्सिज्म ही तो था ना, किसी के अंदर से ईविल आई निकाल, मतलब नॉट ईविल आई, साइकिक एनर्जी को हटाना। और आपको मालूम है हमारे अर्थ पे अर्थ बाउंड सोल्स कितनी सारी हो गई आफ्टर कोरोना, आफ्टर कोरोना टाइम सोल्स को सैलवेशन नहीं मिला है, काफी सोल्स को सैलवेशन नहीं मिला है। देयर आर न्यूमरस न्यूमरस अर्थ बाउंड सोल्स, इफ यू कैन सी फ्रॉम योर इनर आईज यू कैन सी दो सोल्स, और हमारे सब आसपास होती है। अभी आप में से दो चार लोगों में आई कैन सी दो दो तीन तीन यू नो सोल्स अटैच टू यू, आपको मालूम है ये बात। पर आप सब लोग आज क्या करेंगे, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट ईच ऑफ यू, आप लोग क्या करेंगे, यू विल टेक ब्लैक पेपर, पूरे पूरे जो उसके ब्लैक पेपर पेपर के दाने होते हैं, पाउडर नहीं लेंगे, पूरे पूरे दाने लेंगे, आज नहीं है तो कल मार्केट से ले आइएगा, ठीक है। आप उसके अंदर एनर्जी कैसी किसकी डालेंगे, अब हमें प्रोटेक्शन के लिए एनर्जी किसकी चाहिए होती है, कौन हमारी प्रोटेक्शन करता है, द डिवाइन एनर्जी, नहीं समझ में आ रहा, आर्कएंजल माइकल, कोई नहीं समझ आ रहा, करता सिर्फ डिवाइन एनर्जी को हम बुलाएंगे टू प्रोटेक्ट अस, ठीक है। हम ये भावना अपने दिल में रखेंगे कि वी आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड, वो एनर्जी को जनरेट करके आप अपने हाथ से एक्टिवेट द कॉर्न्स ऑफ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर को आप एक्टिवेट कीजिए, एंड कीप दैट ब्लैक पेपर इन अ सैशे, कुछ भी किसी भी सैशे में डाल के अपने पास रखिए। आप सब करेंगे कल, मैं आई विल नॉट नेम पीपल, लेकिन आप में से दो तीन लोग ऐसे हैं जिनके अंदर मैं अभी दो दो तीन तीन एलिमेंट्स देख पा रही हूँ। प्लीज प्रोटेक्ट ऑल ऑफ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डू दिस मैम, रिचुअल। हम सब कर लेंगे, लेकिन आप बता दीजिए ना, ताकि वो थोड़ा कॉन्शियस हो नहीं जाए नहीं थोड़ा। मैं किसी को नहीं बता सकती, आप सबको करना है, प्रोटेक्शन मैम वो लेने में क्या, सेंटेंस सेंटेंस क्या बोलना है, प्रोटेक्ट? हाँ प्रोटेक्ट करना है ना आपको अपने आपको, जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द एक्स्ट्रा एलिमेंटल एनर्जीज। मैम सिर्फ हैंड में लेना है, हैंड में जैसे सिर्फ एक या तो कागज में या पाउच, किसी एक पाउच में करके, पाउच कागज में करके अपनी पॉकेट में रख लो, ठीक
ठीक है, आपके पास होना चाहिए, आपके ऑरा में होना चाहिए वो चीज, कितना राइट। कितना एक चीज कितना, और बता, चार पांच, चार पांच कॉन्स हो सकते हैं। दूसरी चीज मैं और बताती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा नजर लगती है, या आपके काम में, आपके बिजनेस में नजर लगती है, जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो एक छोटी सी पूरी बाउल में ना ब्लैक कॉर्न, ब्लैक पेपर कॉर्न्स भरिए। वो बाउल भर के अपनी मेन टेबल पर रख दीजिए, बीच में या तो सेंटर टेबल पर रख दीजिए, सो दैट जो सब देखे उसकी एनर्जी सारे में फैले। ऐसे ही एनर्जाइज करके उस जगह पे रख दीजिए, बिलीव मी, फटाफट पूरी जगह का सारी की सारी एनर्जी क्लीन हो जाएगी। वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मैम, बॉक्स हाँ, ट्रांसपेरेंट रखिए, नहीं बाउल, बाउल में रखना है, ओपन बाउल में। ओपन ओपन रहेगा ना ओपन, बॉल को। यस, ओके ओपन ओके बाउल में, ठीक है। मैम, उसके बाद में हम उसको बाद में फिर बाद में कहीं थ्रो करना रहेगा ना। डिस्पोज ऑफ एक हफ्ते के बाद कर सकते हैं, एक हफ्ता अच्छे से काम करेगा वो। अच्छा, वो डिस्पोज कहाँ करना है मैम उसको? डस्टबिन में डाल दीजिए। ओके तो मैम कितने ग्रैनुअल होने चाहिए एक बार काली मिर्च के? एक बार छोटी, मतलब छोटी एक बाउल, छोटा बाउल, नहीं, छोटे बाउल में 50 ग्राम, 10-20 ग्राम, चार नहीं, कुछ 10-20 ग्राम तो डालेंगे आप छोटा अच्छा बाउल में, ठीक है। अब देखिए, कीप ब्लैक पेपर इन सैशे टू रिलीज जेलस थॉट्स एंड फीलिंग, कि अगर आपको लग रहा है किसी कोई आपसे जेलस है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक पेपर पाउडर, ये बहुत अच्छा दिख है। देखिए, नमक लीजिए और ब्लैक पेपर लीजिए, एनचांट कीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए, अपनी प्रॉपर्टी के अराउंड डाल दीजिए टू रेपेल एनी नेगेटिव एनर्जी। अब क्या हो गया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है, जो शहर है ना ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, है ना, शहर ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जंगलों का एरिया ऑक्यूपाई कर करके, हम जंगलों को हटाकर हम अपना घर बना रहे हैं। जहां पे पहले जंगल थे वहां की हिस्ट्री बहुत पुरानी हिस्ट्री में, ना जाने कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी वहां पे, एनर्जी थी, चाहे आपकी इविल एनर्जी हो या कुछ हो, आप उनकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी नेचुरल नेचर स्पिरिट्स, आपने उन नेचर स्पिरिट्स की एनर्जी ऑक्यूपाई कर ली है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दोज एनर्जीज, अनसीन एनर्जीज। आप देख लीजिए, जो लोग ना बाहर ऐसे ऐसे जो जगह है, जैसे हम लोग फैलते जा रहे हैं, आप मुंबई में देखिए, नवी मुंबई देखिए, पुणे में देखिए, जो नया एरिया सारा बस रहा है, आप लोग अगर उस जगह से हैं, आप देखिए, अगर आप इंटरनल शहर में रहते तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आउटस्कर्ट्स में रहते ना, जो नए एरिया डेवलप हो रहे हैं, देखिए आपकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम है, आपको डर भी लगता होगा, शहर में डर नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे इतनी इविल स्पिरिट्स नहीं है, आउटसाइड स्कर्ट्स पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, नमक में थोड़ा सा काली मिर्च मिलाएंगे पाउडर, उसको एनचांट करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी के चारों तरफ डाल देंगे, सिंपल रेमेडी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनी नेगेटिव एनर्जी, इविल स्पिरिट्स, नेचर स्पिरिट्स, कोई भी आप पे अटैक ही नहीं कर सकता, कोई आपको परेशानी नहीं करेगा। आपने सुना होगा ना कभी कभी कि आपकी बॉडी पे आके, नहीं जैसे रात को ऐसा नहीं होता, स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम सब जगे हुए लेकिन हम हिल ही नहीं पा रहे, यू नो दिस दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस। और अगर हम इसको एनर्जेटिकली देखें तो क्या होता है, कोई ऐसे भ्रम राक्षस होते हैं जो हम पर आकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है हमारे ऊपर पता नहीं कितना बोझ है, वी आर नॉट एबल टू मूव बट वी आर फुली अवेक। बहुत लोग ये कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं, दिस इज ऑल, दे आर ऑल नेचर स्पिरिट्स। तो अपने आप को इन सब चीजों से बचाने के लिए सिंपली अपनी प्रॉपर्टी के अराउंड ये सब कीजिए। मैम, हाउ फ्रीक्वेंटली वी हैव टू डू इट अराउंड प्रॉपर्टी? देखिए, अगर कुछ भी नहीं है तो यू शुड नॉट डू इट, आप तभी इस चीज का यूज करेंगे जब इसकी नीड होगी, पहली बात। मैम ऐसे कैसे पता चलेगा कि नहीं, वी अगर आर इफ इन यू आर नीड और नॉट? एक्सपीरियंसिंग एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर एक्सपीरियंस, अगर आपको डर लगता है, आपको कभी, क्योंकि वो फील हो जाता है ना कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ है, आपको वो फील हो जाएगा। देखिए, मैजिक तभी करेंगे जब हमें नीड होगी, हमें अननेसेसरी मैजिक नहीं करना है, क्योंकि वो फिर आपको मैजिक जनरेट ही नहीं होगा। जब आपकी नीड होती है ना, तो वो ही कहना, जैसे फियर आया, अरे यार मुझे जरूरत है, तो वो जरूरत है, ओ वो मुझे चाहिए, प्लीज वो प्रोटेक्शन आ जाए, ऐसी प्रोटेक्शन आएगी कि पूरा घर प्रोटेक्ट हो जाएगा। हमें वो स्पार्क चाहिए, ठीक है। नाउ इफ वर्क इज वीकनिंग अगेन एंड अगेन व्हाइल लिविंग इन द हाउस, प्लेस अ लिटिल एट द मेन गेट एंड लीव इट। जैसे आप, हम काम पे जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा काम नहीं बन रहा, बार बार हम
अपने घर से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, वो काम नहीं बन रहा बार बार, तो आप क्या करेंगे, मेन गेट पे थोड़ा छोड़ देंगे और अपना घर अपने काम पे चले जाएंगे, राइट? ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट का मिक्स एनर्जाइज करके, बर्न अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेपर इन अ लैम्प एंड प्लेस इट इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, इट जैसे लैम्प नहीं होते, या फिर दिए में डाल दो थोड़ा सा, या नीचे वो ऊपर कैंपर, नीचे काली में ऊपर कैंपर, थोड़ा सा दिए में डाल के अपने घर के कॉर्नर में जला दीजिए, वो भी लेकिन एनचांट करके जलाना, ठीक है? इसका जो एसेंशियल ऑयल होता है, अगर आपको नींद नहीं आती, आप बहुत लेजी हैं, ये तो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, अगर आप लेजी हैं, अगर कोई लेजी है, तो उसका हल्का सा एसेंशियल ऑयल अपने फीट पे अंदर जो फीट है उस पर रब कर दीजिए, लेजीनेस भाग जाएगी। एनचांट करके करना है ये सारी चीजें, एनचांट करके, क्लियर? इसका एसेंशियल काली मिर्च है, कैंपर का काली काली मिर्च, यू आर टॉकिंग मिर्च। अबाउट काली मिर्च, काली मिर्च तो अच्छा, अपने मैं आप, ये चीज और पूछना था, जैसे कि घर होते हैं ना, हाँ, वो आपस में मिले हुए होते हैं आगे से पीछे से, तो हम चारों तरफ तो नहीं डाल पाएंगे उस केस अपने में? घर के अंदर ही डालोगे ना, बाहर थोड़ी ना डालने, ओके ठीक बाउंड्री पे डाल दो, कॉर्नर्स में डाल दीजिए। ठीक जी प्रवीण जी, आपने पूछ लिया तो जानवी जी आप बताइए। फीट मैम, पेपर पाउडर फीट के ऊपर के स्मेयर ऊपर करना नहीं, है पेपर क्या? पाउडर नहीं, एसेंशियल ऑयल पेपर का ओके थैंक यू मैम। जी, है ना इंटरेस्टिंग?